पर आपका जो फर्स्ट चैप्टर है कौन सा, फर्स्ट चैप्टर आपको पता होना चाहिए आपका जो पशुपालन का जो फर्स्ट चैप्टर है कौन सा है, प्रारंभिक अध्ययन। ठीक है, कौन सा चैप्टर है, प्रारंभिक अध्ययन। इसमें आपको पहला जो क्वेश्चन तैयार करके जाना है, भारत में पशुओं की हीन दशा के आपको तीन कारण, कितने कारण, तीन कारण। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको ये तैयार करके जाना है। भारत में पशुओं की हीन दशा के आपको यहाँ पर तीन कारण याद करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पहला यहाँ पर देख सकते हो, भारत में पशुओं की हीन दशा के कारण निम्नलिखित है। पहला है अच्छे चारे एवं पौष्टिक तत्वों की कमी, दूसरा है स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी एवं रोगों की उपचार की अपेक्षा, दूसरा है नस्ल सुधार संबंधी जागरूकता की कमी, और चौथा है अनुपयोगी पशुओं की अधिकता। ठीक है, तो ये आपको भारत में पशुओं की हीन दशा के जो कारण हो यहाँ पर निम्नलिखित है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार किया जाना है, फार्म पर पशु पालने के दो उद्देश्य लिखे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फार्म पर पशु पालने के कोई दो उद्देश्य बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पहला है फार्म पर पशु पालने के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला, कई फार्म या कृषि उत्पाद पशुओं के संतुलित भोजन के रूप में प्रयुक्त तो होने से सस्ती कौमत कीमत है, ये कौमत नहीं है, कीमत है। ठीक है, ठीक है, नोट कर देगा, कीमत पर चारा मिलना। और उसके बाद दूसरा है, पशुओं की मल त्याग से बना जैविक खाद कृषि उत्पादन के लिए फायदेमंद होता है। ठीक है, उसके बाद आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार किया जाना है, भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुओं के तीन महत्व बताना। आपको कौन सा क्वेश्चन तैयार किया जाना है, भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुओं के आपको तीन महत्व बताना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं चार महत्व बता रहा हूँ आपको, आप इनमें से तीन जरूर तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है, पशुओं की दशा सुधारने के लिए उपाय लिखिए। अब मैंने आपको पशुओं की हीन दशा के कारण जो है बता दिए थे, अब उनके उपाय क्या है, क्या आप ये पशुओं की दशा सुधारने के लिए आप क्या उपाय कर सकते हो, तो यहाँ पर आपको जानकारी दी गई है, आप पढ़ सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्म पर पाले जाने वाले पशुओं का वर्गीकरण बताइए। तो यहाँ पर फार्म पर पाले जाने वाले पशुओं का जो वर्गीकरण है वो निम्नलिखित है, आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे कि पहला, दुधारू पशु कौन सी, गाय और भैंस। ठीक है, तो आप यहाँ पर नोट कर सकते हो, जैसे कि क्या है, फार्म पर दुधारू पशु मतलब गाय और भैंस। ठीक है, उसके बाद मांस के लिए प्रयुक्त पशु बकरी भेड़ भैंस मुर्गी आदि, चर्म फर वाले पशु भेड़ एवं बकरी, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है, पशुपालन क्या, इसके दो लाभ लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पशुपालन क्या होता है और इसके दो लाभ आपको बताना है। ठीक है, पूछ सकता है। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है, भारत में पशुपालन की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। तीन याद करना है, ज़्यादा नहीं याद करना है, भारत में पशुपालन की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए, तीन आवश्यकता तैयार करना, आप यहाँ पर नोट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको जो क्वेश्चन बताए उन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दे दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, वीडियो में जय हिंद।